Welcome back, friends. In this session, we will discuss some of the books. Actually, these books are written by foreign writers. Important exams के लिए. तो चलिए सबसे पहली book है West Land. तो ये book लिखी गई है T.S. Eliot. West Land T.S. Eliot द्वारा लिखित. अगली book है Treasure Island. ये बुक लिखी हुई है आर एल स्टीवेंसन. आर एल स्टीवेंसन द्वारा लिखित ट्रेजर आइसलैंड. द नेक्स्ट बुक इज द टेम्पेस्ट. ये बुक लिखी है शेक्सपियर द्वारा. द टेम्पेस्ट शेक्सपियर द्वारा लिखित. थ्री मस्केटियर्स ये बुक लिखी गई है एलेक्जेंडर ड्यूमास. थ्री मस्कीटियर्स. नेक्स्ट बुक इज प्रिंसिपिया. तो ये सभी जानते होंगे जो आइजैक न्यूटन थे हमारे, इन्होंने गति के नियम दिए. तो ये लिखी गई है उनके द्वारा प्रिंसिपिया आइजैक न्यूटन द्वारा. नेक्स्ट बुक इज पैराडाइज लॉस्ट. तो ये बुक लिखी है जॉन मिल्टन. पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन द्वारा लिखित. नेक्स्ट बुक इज मैन एंड सुपरमैन. ये बुक लिखी है जीबी शाह द्वारा. मैन एंड सुपरमैन. नेक्स्ट बुक इज किंग लियर. किंग लियर बुक जो लिखी है फिर से ये लिखी गई है शेक्सपियर द्वारा. किंग लियर. नेक्स्ट बुक इज किडनैप्ड. ये बुक लिखी गई है आर एल स्टीवेंसन. तो ट्रेजर आइसलैंड और किडनैप्ड ये बुक लिखी गई है आर एल स्टीवेंसन के द्वारा. अगली बुक है फैंटेस्टिक बीस्ट वेयर टू फाइंड देम. तो ये बुक लिखी गई है जेके रोलिंग. स्पेलिंग देख लेंगे जेके रोलिंग. नेक्स्ट बुक है हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड. तो ये बुक भी लिखी गई है जेके रोलिंग द्वारा. जेके रोलिंग. नेक्स्ट बुक इज ब्लड ऑन माय हैंड्स. तो ये बुक लिखी है किसलय भट्टाचार्य. हिंदी में लिख देता हूँ इसको भट्टाचार्य जी. तो किसलय भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है ब्लड ऑन माय हैंड्स. अगली बुक है द मेकिंग ऑफ इंडिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइजेस. तो ये बुक लिखी गई है करतार ललवानी द्वारा लिखित है द मेकिंग ऑफ इंडिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइजेस. द नेक्स्ट बुक इज एंड्यूरेंस माय ईयर इन स्पेस एंड अवर जर्नी टू मार्स. तो ये बुक लिखी है स्कॉट केली द्वारा लिखित है एंड्यूरेंस. द नेक्स्ट बुक इज अ स्टेट इन डेनियल. तो ये बुक लिखी है बी जी वर्गीज. दोस्तों इस सेशन में इतना ही. कीप वॉचिंग. थैंक यू फ्रेंड्स.